स्पोर्ट्स की दुनिया में किसी भी टीम की जर्सी उसकी आइडेंटिटी तो होती ही है, साथ ही ये टीम के लिए गौरव का प्रतीक भी होती है। किसी भी स्पोर्ट्स टीम की जर्सी का रंग अक्सर उस देश के झंडे से लिया जाता है। भारत की बात की जाए तो भारतीय टीम की जर्सी नीले रंग की है, जबकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग का होता है। अब ये गौर करने वाली बात है कि टीम इंडिया की जर्सी का रंग आखिर नीला क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय टीम के लिए नीले रंग की जर्सी चुनने के पीछे की वजह क्या है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि 90s के दौर से लेकर अब तक टीम इंडिया की जर्सी में कितने बदलाव आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप आज तक AI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने अक्सर स्पोर्ट्स फैंस को अपने टीम की जर्सी पहनकर टीम का हौसला बढ़ाते देखा होगा। ये जर्सी टीम की यूनिटी के साथ साथ एक अपनापन का भाव भी महसूस कराती है। बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई, लेकिन क्रिकेट की जर्सी को रंग 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिला। इसके पहले सभी टीम सफेद रंग की जर्सी पहना करती थी। 1992 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम रंगीन जर्सी में नजर आई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेले गए इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने इंडिगो कलर की जर्सी पहनी थी, जिस पर शोल्डर्स पर कलरफुल स्ट्रिप्स बने हुए थे। इसके अलावा ड्रेस के आगे टीम का नाम और पीछे प्लेयर का नाम लिखा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि इंडियन टीम के लिए नीले रंग की जर्सी ही क्यों चुनी गई। दरअसल इंडियन टीम की जर्सी का नीला रंग भारतीय झंडे के अशोक चक्र से लिया गया है। आपने गौर किया होगा कि भारतीय तिरंगे की सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र बना होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं और ये चक्र मौर्य सम्राट अशोक के बनाए गए कानून के पहिए को दर्शाता है। साथ ही इसका नीला रंग आकाश और समुद्र के विस्तार को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्र ध्वज का केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो सफेद रंग शांति और सच्चाई का संदेश देता है। वहीं हरा रंग धरती की उर्वरता को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि 1992 वर्ल्ड कप से लेकर आज तक भारतीय टीम की जर्सी किस तरह से बदलती रही। 1992 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक टीम इंडिया ने हमेशा नीले रंग की ही जर्सी पहनी। हालांकि हर क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ टीम की जर्सी के शेड्स में कुछ बदलाव जरूर आए। 1996 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी में आसमानी और पीले रंग के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ था। इस जर्सी में कॉलर पीले रंग के थे, इसके अलावा ड्रेस पर एक सतरंगी बैंड प्रिंट भी था। इसके बाद 1999 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम की जर्सी का रंग पिछली बार से थोड़ा डार्क था। इस जर्सी में पीले रंग के कॉलर के साथ साथ धारियों और तीर जैसे पैटर्न थे, जिसमें एक काला बॉर्डर भी था। इस जर्सी को काफी आइकॉनिक माना जाता है और इसमें BCCI का लोगो भी मौजूद था। बात करें 2003 वर्ल्ड कप की तो इस वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी का पैटर्न काफी बदल गया। इस बार जर्सी के बीच में भारतीय तिरंगे का ब्रश प्रिंट बनाया गया था, जिसके ऊपर टीम का नाम यानी इंडिया लिखा था, जिससे ये जर्सी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। इसके अलावा जर्सी के दोनों साइड काले रंग की मोटी पट्टियां बनाई गई थीं। 2007 में हुए वर्ल्ड कप में इंडियन टीम लाइट ब्लू कलर की जर्सी में नजर आई। इस बार जर्सी को लाइट ब्लू शेड में तैयार किया गया था और ड्रेस में से काली पट्टियां हटा दी गई थीं। इसके साथ ही जर्सी में इंडिया को नए फॉन्ट में लिखा गया था और इसके अलावा भारतीय तिरंगे को भी एक स्टाइलिश लुक में पेश किया गया था। इसके बाद 2011 वर्ल्ड कप में जर्सी का ये ब्लू कलर देश के लिए बेहद लकी साबित हुआ और भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की। इस बार जर्सी का रंग न तो ज्यादा गहरे रंग का था और न ही इसका शेड ज्यादा लाइट था। कुल मिलाकर जर्सी स्टैंडर्ड ब्लू रंग की थी और इसके दोनों साइड तिरंगे के स्ट्राइप्स थे। इसके अलावा जर्सी में ऑरेंज कलर से इंडिया लिखा गया था। 2015 वर्ल्ड कप के दौरान टीम की जर्सी से तिरंगे के पैटर्न को हटा दिया गया था। टीम प्लेन ब्लू टी शर्ट में नजर आई थी, जिसके फ्रंट में ऑरेंज कलर से इंडिया लिखा हुआ था। इस जर्सी की सबसे खास बात ये थी कि ये जर्सी रिसाइकल्ड प्लास्टिक बॉटल्स से तैयार की गई थी। 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान टीम चटकदार नीले रंग की जर्सी में नजर आई। इस बार जर्सी में ऑरेंज कलर का काफी इस्तेमाल किया गया था। इस बार जर्सी के कॉलर ऑरेंज कलर के थे और इसमें इसी कलर से इंडिया लिखा गया था। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, पर सेमीफाइनल में हारकर टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। 2023 में हुए वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इस बार जर्सी में कई बदलाव किए गए।
कंधों पर मौजूद तीन सफेद धारियों को तिरंगे से बदल दिया गया और बीसीसीआई के लोगों में अब दो सितारे भी नजर आए। ये सितारे भारत की वनडे विश्व कप जीत का प्रतीक थे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।